अस्सलाम वालेकुम। बिल्लू बिल्लू एक छोटी सी बच्ची थी जिसके पास एक बस्ता था। उसके बस्ते में बहुत से खिलौने थे। ठीक है, बिल्लू का बस्ता, हमारा सबक था बिल्लू का बस्ता। बिल्लू के बस्ते के आज हम सवाल और जवाब करेंगे। सवाल नंबर एक, सवालों के जवाब अपनी कापी में लिखिए। नंबर एक, बिल्लू कैसी बच्ची है? कलंड्री, पढ़ने की शौकीन। कैसी बच्ची थी? कलंड्री, बिल्लू कलंड्री बच्ची है। सवाल नंबर दो, आपके ख्याल में ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? अम्मी की, अब्बू की या किसी और की? जवाब, अम्मी की ज़ुबानी है। ठीक है, बिल्लू कितने साल की है? जिस शेर में बिल्लू की उम्र का जिक्र है वो शेर लिखिए। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो बच्ची नहीं हो। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो बच्ची नहीं हो। सवाल नंबर चार, बिल्लू का असल नाम क्या है? जिस शेर में जिक्र है वो शेर लिखिए। बिल्लू का असली नाम क्या था? शाबाश, हम लोग लिखेंगे जवाब। उर्दू ना जानो, इंग्लिश ना जानो, कहती हो खुद को बिल की सुबानो। उर्दू ना जानो, इंग्लिश ना जानो, कहती हो खुद को बिल की सुबानो। ये है हमारा जवाब। सवाल नंबर पाँच, बिल्लू के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे? उनका नाम लिखिए। बिल्लू के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे? उनका नाम लिखिए। लकड़ी का घोड़ा, रुई का बालू, चूरन की शीशी, आलू कचालू, लट्टू रस्सी, गुली डंडा। ठीक है बच्चों, ये नज़म में आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है लकड़ी का घोड़ा था, रुई का भालू। आप लिखेंगे जवाब, लकड़ी का घोड़ा, रुई का बालू। ठीक है, सबसे पहले क्या है? लकड़ी का घोड़ा, रुई का बालू। बिल्लू के बस्ते में लकड़ी का घोड़ा, रुई का बालू, चूरन की शीशी, आलू कचालू, गुली डंडा, लट्टू और रस्सी थी। बिल्लू के बस्ते की मिसाल शायर ने क्या दी है? तो वो कौन सा शेर था जिसमें शायर ने हमें मिसाल दी थी? शायर ने कहा था कि बिल्लू का बस्ता कैसा है? बिल्लू का बस्ता जिनकी पिटारी है। हम लिखेंगे कि शायर ने बिल्लू के बस्ते को जिनकी पिटारी कहा था। शायर ने बिल्लू के बस्ते को जिनकी पिटारी कहा था। समझ आ गई? शायर ने क्या कहा था? जिनकी पिटारी, जिनकी पिटारी कहा था। फिर अगला हमारे पास सवाल है, हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। सबसे पहला हमारे पास है जाओ, फिर है बानो, फिर है भारी। जाओ के साथ कौन कौन से अल्फाज होते हैं जो हम आवाज़ होते हैं? हम आवाज़ एक जैसे अल्फाज जिनकी अदायगी एक जैसी होती है और लिखने में भी उनका पहला लफ्ज़ या आखिरी लफ्ज़ सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, आपस में मुशाबे होते हैं लिखने में भी और अदायगी में भी। पहला है जाओ। जाओ को क्या है? जाओ, लाओ, पाओ, आओ, ये सारे अल्फाज हैं। दूसरा है बानो। बा नो, मा नो, रा रा नो, जा नो। फिर है भारी। भारी कुल्हाड़ी, क्यारी, पटारी। समझ आ गई बच्चों आपको? भारी का क्या होगा? भारी पटारी, भारी पटारी, कुल्हाड़ी, क्यारी, ये सारे अल्फाज एक जैसे हैं। जैसे भारी, तुम्हारी, हमारी, कुल्हाड़ी, क्यारी। ठीक है, आप कोई से तीन अल्फाज यहाँ लिखें। फिर ऊपर वाला दरमियान में क्या था? बानो, बानो, मानो, जानो, रानो,
ठीक है, समझ आ गई? वेरी गुड। अब है जाओ, सबसे पहला क्या था? जाओ, आओ, लाओ, खाओ, ठीक है, सब क्या हमें वाह 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 आ रहा है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई सवाल आज की? सवाल नंबर आज हमने कौन सा करना था? 4, 5, 6, 7, इसके साथ हमने आपको सवाल नंबर 1 और 3 भी दोबारा दोहरा दिया है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।